I can remember when. अच्छा तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि किंग कोहली जैसा प्लेयर इस दर्द पर कभी आ सकता है। आर्यन तुम्हें नमाज पढ़ने आती है? Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms. तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कल आईपीएल का जो मैच था, तो किंग कोहली ने जो एक और सेंचुरी अपने कैरियर में कर दी, बहुत ही मज़े की सेंचुरी, यानी कि कैसे इस तरह का प्लेयर मैंने कहीं नहीं देखा। तो किंग कोहली ने कल एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि किंग किंग होता है। क्या ही सेंचुरी बनाई, उसके शॉट्स देख के बहुत मज़ा आता है। क्लासिक बैटिंग, उससे बेहतरीन बैटिंग इस धरती पर मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि अभी उससे अच्छी बैटिंग कोई कर सकता। वो चेज़ मास्टर है, क्योंकि वो रन्स चेज़ कर सकता है, वो हिटिंग भी कर सकता है, वो क्लासिक प्लेयर भी है, वो बड़े रन्स भी करते हैं। तो ऐसा प्लेयर मैंने अभी तक तो नहीं देखा। हाँ, हमारा जो पाकिस्तान का बाबर आजम है, बेस्ट, वो बहुत ही क्लासिक बैट्समैन है, लेकिन अभी कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि बाबर आजम जो है अभी जूनियर है, तो विराट कोहली अभी बहुत सीनियर है, यानी कि। अच्छा तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि किंग कोहली जैसा प्लेयर इस धरती पर कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता ब्रो, सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन किंग कोहली जैसा कोई नहीं। तो ये बातें साथ साथ होती रहेंगी। अभी हम ऐसा करते हैं कि मैं जिस काम के लिए उठा हूँ वो तो करूँ ना पहले। मैंने जाना है इधर हॉस्पिटल है नज़दीक, बहुत ही G8 में, वहाँ से मैंने रिपोर्ट्स उठानी है, वो उठा के फिर वापस आऊँगा और आपको आगे का सीन बताऊँगा। आज का व्लॉग स्पेशल है, तो आपने मिस नहीं करना, एंड तक देखना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आगे। तो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह उठा लिए, ये आप देख रहे हैं, और आपको पता है कि आपका भाई लेट जागता है, जिस दिन काम पड़ जाता है ना उस दिन मुझे घर वाले उठा लेते हैं, ऐसे मैंने नहीं जितना जल्दी जागना होता, आपको पता है। तो फिर चलते हैं, अभी घर की तरफ जा रहा हूँ मैं, आगे मिलते हैं। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, आर्यन भी मेरे साथ है, अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएंगे आज जुम्मे, तो ये आर्यन भी मेरे साथ है। आर्यन तुम्हें नमाज़ पढ़ने आती है? Yes. फिर तो सही है, तो चलें फिर आगे चलते हैं, सीन दिखाता हूँ। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं घर बैठा हुआ हूँ। खाना शाना भी मैंने खा लिया, नमाज पढ़ के हम आ गए थे, अब जो है मैंने अकेडमी जाना है, लेकिन मैं बाहर देख रहा हूँ कि काफ़ी धूप है, तो गर्मी भी बहुत है। वैसे भी हमारे नेट से भी रेडी हो रहे हैं, उसमें 2-3 दिन लगेंगे, तो मैं आज थोड़ा लेट जाता हूँ, ट्रेनिंग ही करनी है वैसे भी, वो मैं मतलब असर के टाइम भी कर सकता हूँ, तो थोड़ी देर बाद जाऊँगा मैं, आप मेरे साथ रहिएगा, आगे का आपको सीन दिखाऊँगा आगे क्या बनता है, मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन व्लॉग में पता चल ही जाएगा आपको कि क्या सीन बनता है। तो अकेडमी जा रहा हूँ मैं,
अभी भी मतलब धूप है, लेकिन अभी थोड़ी मतलब हल्की वाली हो गई है। आपको पता है दोपहर में जो धूप होती है वो तो बहुत ही सख्त होती है। अभी 4:15 हो रहे हैं, तो सही है। मैंने कहा सोचा चलता हूँ, वैसे भी घर बैठ के क्या करना है। मावने भी ले वापिस आ चुका था एकेडमी से। अभी मैं जा रहा हूँ G9 मरकज, वहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी है और मैं पंजाब से उनका भी चला जाऊँगा। चलते हैं फिर, बाइक स्टार्ट करते हैं। तो मैं बाजार से वापिस आ चुका हूँ। दूसरा एकेडमी का मैं आपको बताता हूँ। एकेडमी में मैं गया हुआ था तो वहाँ पे मैच चल रहा था, हमारे सीनियर्स का था, हमारे कोच भी कह रहे थे उनके मैच में। पिंडी से टीम आई हुई थी एक, पता नहीं मुझे टीम का नाम नहीं पता। तो मैच मैं उनका देख रहा था, आखिरी ओवर में एक ओवर में रह गया था 14 या 15 रहता था, वो लोग नहीं चेज़ कर पाए। हमारी तरफ से जो बॉलर था उसने बहुत मज़े की बॉलिंग की, 3 बॉलें उसने स्लो कराई, बैट्समैन बेचारे को पता ही नहीं चला तीनों डॉट। और बाकी जो एक और करे उसने पीछे का मारना चाहा, लेकिन वो भी मिस हो गई उससे। दूसरा हमने ख़ुद उधर जाके मतलब मैंने नॉकिंग वगैरह की है थोड़ी बहुत और कैचिंग वगैरह भी किया उधर जाके। आपको पता है वीडियोस वगैरह इतनी ज़्यादा मैं नहीं बना सकता, क्योंकि हम कैचिंग वगैरह हम कर रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि वीडियो बने, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब वीडियो बना लूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और शेयर किया करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।